हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 11 वर्क एनर्जी एंड पावर के क्वेश्चन आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन, हम कब कहेंगे कि वर्क डन हो रहा है। तो देखो बच्चों, जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट पे हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट जो है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड हो जाए, अपनी जगह से दूसरी तरफ चले जाए, आगे सीधे चला जाए, मीन्स अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही हूँ तो ऑब्जेक्ट भी इसी डायरेक्शन में चला जाए, और अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही हूँ तो ऑब्जेक्ट भी इस डायरेक्शन में चला जाए। तो उस जो सिचुएशन होती है उस सिचुएशन को हम कहेंगे वर्क डन, अदरवाइज वर्क डन नहीं होगा। अगर हम ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और ऑब्जेक्ट नीचे चला जाए तो फोर्स अप्लाई जिस डायरेक्शन में हो रहा वहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है तो वो क्या होगा, वर्क डन नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि आप कब कहेंगे कि वर्क हुआ है। तो क्वेश्चन के में क्या है, व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड, जब हम फोर्स अप्लाइड करेंगे ऑन ए बॉडी एंड द बॉडी गेट डिस्प्लेस्ड, जब हमने फोर्स अप्लाइड किया किसी बॉडी पर और बॉडी क्या हो गई, डिस्प्लेस्ड हो गई, अपनी जगह से कहीं और चली गई, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, कहाँ पर, जस्ट जो मैंने अभी आपको समझाया फोर्स की डायरेक्शन में, देन वर्क इज सेट टू बी डन, तो हम उसे कहेंगे वर्क हुआ है। तो अगर इसका फॉर्मूला लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, तो देखो वर्क, ठीक है, वर्क को हम किससे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से, वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स, जितना फोर्स लगा और साथ में क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वर्क को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, फोर्स को एफ से डिनोट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन ए फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट डिस्प्लेसमेंट, हमें एक एक्सप्रेशन लिखना है जहां पर फोर्स लगे और ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट आ जाए। तो देखो बच्चों, यहां पर जो है सेम यही चीज़ हमारी आ जाएगी कि वर्क डन कब हुआ और इसकी एक्सप्रेशन लिखनी है, तो यही इसकी एक्सप्रेशन हो गई, तो हमने यही चीज़ यहाँ पर इसके आंसर में लिख देनी है। क्या लिखनी है, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई फोर्स। ठीक है, आप फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट जैसे मर्जी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो उसके बाद वर्क हमारा क्या होता है, डब्ल्यू और डिस्प्लेसमेंट एस मल्टीप्लाई एफ। ठीक है, ये मैंने आगे पीछे लिख दिया था इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया, लेकिन आप ऐसे ही लिखना है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस, और क्या लिखोगे आप, वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन वन जूल ऑफ वर्क, वन जूल ऑफ वर्क को आपने डिफाइन करना है कि जूल क्या होता है, वर्क की एसआई यूनिट, वर्क की एसआई यूनिट होती है जूल। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट मीटर किलोमीटर। ठीक है, और फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। ठीक है, तो अभी आपको बताना है वन जूल ऑफ वर्क को डिफाइन करना है। तो क्या होता है, वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी वन जूल इफ, वर्क डन कब कहेंगे हम कि वन जूल वर्क डन हुआ, जब क्या होगा, वन न्यूटन का फोर्स लगेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट पे, और ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेस्ड होगा, कितनी, उसी डायरेक्शन में जहां पर फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड होगा, कितना, वन मीटर, तो हम कहेंगे वन जूल ऑफ वर्क। ठीक है, तो हम इसको कैसे शो कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू एस, वर्क हम अगर बोल रहे हैं वन जूल वर्क हो रहा है तो फोर्स क्या होगा, वन न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, वन मीटर। तो हम यह क्या कहेंगे, वन जूल वर्क कब होगा, जब वन न्यूटन फोर्स लगेगा और वन मीटर डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ए पेयर ऑफ बुल्स एक्सर्ट ए फोर्स, एक मतलब बैल का जो जोड़ा है जो खेतों में हल चलाते हैं ना, उनके बारे में बात किया है। तो वो उन्होंने खेत को क्या करना है, प्लो करना है, उसको खेत को जोतना है। ठीक है, और उन्होंने फोर्स कितना लगाया है, 140 न्यूटन का फोर्स लगाया है।
140 न्यूटन का फोर्स लगाने के बाद उनकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 15 मीटर, मतलब 15 मीटर लॉन्ग जो है उनकी डिस्प्लेसमेंट है। इतने बड़े जो खेत को उन्होंने जोतना है, जो फील्ड है वो 15 मीटर को उनको कवर करना है, ठीक है। अब आपको बताना है वर्क कितना होगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है उसको हमने लिख लेना है। क्या लिखेंगे हमारे पास, सबसे पहले गिवन है फोर्स। फोर्स हमारे पास कितना है, 140 न्यूटन, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, 140 न्यूटन। अब डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना है, डिस्प्लेसमेंट है हमारा 15 मीटर। हमें वर्क पता करना है, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है हमारे पास, 140, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितनी हमारी, 15, तो टोटल कितना हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 140 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 2100, ठीक है। और अब देखो यहाँ इसकी यूनिट क्या थी, न्यूटन, और इसकी यूनिट क्या थी, मीटर। तो न्यूटन मीटर मिलकर के क्या बनाते हैं, वर्क बनाते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हम किस में लिखेंगे, जूल में। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा आंसर। आई होप बच्चों ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और अगर आपको ये क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर चेक कर सकते हो, क्लास 9 साइंस, ठीक है, चैप्टर 11 या क्लास 9 साइंस में आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएगी। और अगर वैसे भी आप सर्च करते हो क्लास 9 साइंस वर्क एंड एनर्जी, साथ में कल्पना 17 डाल दो, तो आपको मेरी वीडियो सामने आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।